दलित का अंतिम संस्कार करने से दबंगों ने रोका। मानवता को शर्मसार करने वाली घटना चटवाड़ा तहसील देपालपुर जिला इंदौर थाना बेटमा में ऊंची जाति के लोगों के द्वारा 10 सितंबर को महिला कमलाबाई पति हिंदू सिंह उम्र 65 वर्ष की शव यात्रा को गांव के दबंगों द्वारा हथियारों के बल पर रास्ते में ही रोक दिया गया तथा शमशान घाट पर अंतिम संस्कार नहीं करने दिया गया। घटना की जानकारी लगते ही बलाई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार के नेतृत्व में दलित समाज के गांव के मुख्य मार्ग पर चौक के साथ लगभग 9 घंटे तक धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं कहा कि गांव के दबंगों ने माना तो शर्मसार करते हुए दलित समाज को जाति सूचक गालियां देते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार व दलित समाज जनों के साथ मारपीट की तथा हमारे मौलिक अधिकारों का हनन किया। घटनास्थल पर बेटमा पुलिस मौजूद थी किंतु मूक दर्शक बनी हुई थी। पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई व तहसीलदार बजरंग बहादुर द्वारा किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। जिला अध्यक्ष गौरी शंकर सूर्यवंशी के द्वारा आगर कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया, वह आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आज अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कितने विधायक सांसद होने के बाद भी वह एकदम मुंह बंद करके बैठे हुए हैं, किसने भी इस घटना को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की, जबकि आज वह भी जो बने हैं वह इस संविधान की बदौलत बने हैं, लेकिन वह अपने आप को भूल गए हैं। संगठनों द्वारा इंदौर के पास जो घटना हुई उस घटना को लेकर ज्ञापन दिया गया है। उसी के साथ जिला कांग्रेस कमेटी अजय प्रकोष्ठ के द्वारा भी नवीन जिला चिकित्सालय आगर मालवा का नाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से किए जाने हेतु भी ज्ञापन दिया गया है। उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में अनुसूचित जाति जनजाति बहुल्य क्षेत्र संविधान निर्माता बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानने वाले न्यायियों की संख्या ज़्यादा होने तथा विधानसभा व लोकसभा सीट अनुसूचित जाति आरक्षित होने पर आगर मालवा में नवनिर्मित चिकित्सालय का नाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से किए जाने की मांग है। इस आशय को लेकर कई सामाजिक संगठनों ने मांग की है, अतः माननीय से अनुरोध है कि निवेदन है कि आगर क्षेत्र के लोगों की जन भावना को ध्यान में रखते हुए यथाशीघ्र नवनिर्मित जिला चिकित्सालय आगर मालवा का नाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से करवाने की कृपा करें। आप लोगों ने अभी जो ज्ञापन दिया है इसका क्या मामला है? ये देपालपुर में जो दलित महिला की जो शव यात्रा को रोकने का काम किया गया गांव के सवर्ण हिंदू द्वारा, और उनके द्वारा उस महिला जो हमारी बहुल समाज की महिला थी उन माताओं को जाने का नहीं दिया गया, इसके विरोध में पूरे प्रदेश के अंदर काफ़ी आक्रोश है। उसी में आज आगर मालवा में हम लोगों ने भीम आर्मी भारत मिशन के माध्यम से ज्ञापन दिया है और ये मांग की गई कि दलितों के लिए आदिवासियों के लिए शमशान घाट की व्यवस्था की जाए। जिन व्यक्तियों के साथ में जिंदा जीते ऐसे सामाजिक छुआछूत हो रहे हैं, मरने के बाद भी वो छुआछूत नहीं रुक रही है। एक तरफ तो समाज के ठेकेदार कहते हैं कि हिंदू हिंदू भाई भाई, लेकिन जब छुआछूत की बात आती है तो तब ये हिंदू हिंदू भाई भाई कहाँ चला जाता है। तो इसके विरोध में हमने ज्ञापन दिया है और मांग की गई है कि सभी जगह शमशान घाट की व्यवस्था की जाए। और दूसरी मांग हमारी ये है कि यहाँ पर सुसनेर में उप जेल है, वहाँ पर इमरान जो लाला है उनकी जो बॉडी है वो जेल के अंदर लटके हुए मिली, तो उसकी भी हमने सीबीआई जांच की मांग की। तीसरा मामला ये है कि रमण वाल्मीकि जो हमारा भाई है जिसकी हरियाणा जेल के अंदर हत्या होती है, उसकी भी सीबीआई जांच मांग की गई है। और चौथी मांग हमारी ये है कि आगर जिले के जो कलेक्टर हैं माननीय हमारे जिला उपाध्यक्ष जीवन सोलंकी जी द्वारा हमें ज्ञात हुआ कि यहाँ के कलेक्टर बड़े वो हैं, आते नहीं बाहर, और आज मैंने उसका प्रत्यक्ष रूप से देखा कि यहाँ के अधिकारियों को बात करने का तमीज नहीं है, लेकिन वो तो मैं था तो हमने उनको बता दिया कि बीमारी में इस बात करने का तरीका क्या, उन्होंने हाथ जोड़ के माफी मांगी। निम्नांकित बिंदुओं पर कार्य करवाने बाबत कॉलोनी की नल लाइन ठीक करवाने के बाद अभी तक खराब पड़ी, उसको कई बार जो है कभी को याद नहीं करते हैं। अरे पर अभी चुनाव सही से नहीं नहीं एक मिनट के लिए अगर आएगा तो हमारी शान रह जाएगी। और मेरा की बात थोड़ी है यार, हम चुनाव आयोग ट्रेनिंग चले, चुनाव आयोग सब होता है, सब होता है, हम भी किसी काम से आए हैं और कितना गंभीर मामला है आपको खुद को पता है। मामला क्या है, एक इंदौर के पास गाँव है, 63 वर्ष की महिला, ठीक है ना, भलाई समाज से आती थी, जब इतना पानी गिर रहा था वहाँ पर कहीं जलाने की कहीं जगह नहीं थी, हर जगह